आज मैं बना रही हूँ राजगीरा आटे से टिक्की, और ये मैं बना रही हूँ बॉयल्ड आलू के साथ। तो इसमें मैंने आलू को बॉयल करके ग्रेट कर लिया है, और उसमें फिर मिलाया है हरी मिर्च, हरी धनिया, कसूरी मेथी भी थोड़ी डाली है मैंने इसमें, ऑरिगेनो और भुना जीरा, और साथ साथ मैंने इसमें ब्लैक पेपर, तो ब्लैक पेपर का भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसमें टिक्की में, और हरी धनिया, हरी मिर्च ज़रूर डाली है इसमें, और साथ साथ लाल मिर्च अगर आपको खाना हो। और क्योंकि ये व्रत के लिए मैं बना रही हूँ, तो व्रत में चौलाई का आटा या एमरंथ जिसको हम बोलते हैं, या राजगिरा, ये खाया जाता है हम लोग के यहाँ, तो हम उसको, और साथ साथ ये हेल्दी भी होता है, तो इसको इसमें मैंने करीब 5 टेबल स्पून, 2 बड़े आलू के साथ 5 टेबल स्पून मैंने ये डाला है। और इसको एक अच्छा सा डो बना लेना है, मैश करके खूब बढ़िया सा, और कहीं लम्स ना रहे इस तरह से, और हल्का सा फिर बाद में रिफाइंड ऑयल लगा के उसको, और फाइन डो मतलब एक अच्छा सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। और अगर आलू गरम है तो बहुत अच्छे से बन जाता है, लेकिन अगर आपका आलू रखा हुआ है तो उसमें आप थोड़ा सा दूध भी मिला सकते हैं, और फिर एक डो बनाइए तो वो भी अच्छी सी बाइंडिंग उसमें आ जाती है। तो ये इसकी इस तरह से हमने टिक्की बना के रख ली है सारी, और फिर हम इसको फ्राई कर रहे हैं। तो फ्राई करने के लिए पहले टेम्परेचर हाई रखना है ऑयल का, जब एक बार आ जाएगा टेम्परेचर, उसके बाद उसको आप मीडियम करके टिक्कियाँ उसमें डालिए, और फिर अलटते पलटते हुए उसको कुरकुरी सी बढ़िया सेक लेना है, और बाद में इसको सिम पे, सिमर पर रख के थोड़ी देर तक अच्छे से अंदर तक पक जाए, इस तरह से सेकते रहना। तो ये हमारी एक बहुत बढ़िया सी टिक्की, और व्रत के लिए भी और बिना व्रत में भी आप चाय वाय के साथ इसको खा सकते हैं, और इसमें थोड़ा वेरिएशन भी आप कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें मूंगफली भी क्रश करके वो मिला लीजिए, थोड़ा रोस्ट कर लीजिए फिर क्रश करके वो मिला लीजिए। अदरवाइज़ अगर आपको व्रत में नहीं खाना है तो अपनी चॉइस की आप मटर वगैरह भी अगर चाहें तो हल्का सा स्टीम करके वो, गाजर, बीन्स, कोई भी सब्जी, बट आलू ज़रूरी है, वो बाइंडिंग अच्छी देता है, तो वो मिलाइए, और एमरेंथ का आटा, तो वो उसमें बहुत अच्छा एक बाइंडिंग आती है, और एक फुल मील की तरह आप व्रत में इसको ले सकते हैं। तो अगर आप लोग को ये पसंद आया हो वीडियो, तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और एक बार ट्राई ज़रूर करें इसे, और बताइए कि आपने क्या एडिशन किया है इसमें, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्कार।